हेलो गाइस, फिर से लेके आ गया आप लोग के लिए नया वीडियो। अभी देखिए, हम लोग जस्ट लैंड ही हुए थे ये मिलिट्री बेस में, तभी और एक स्कॉट हम लोग को फरश कर देता है, एक को मैं नोक देता हूँ और एक बंदा यहाँ सोया रहता है, तो अपना टीममेट रहता है पीछे में बैकअप देने के लिए। तो उसको मैं लोकेशन बता देता हूँ, इधर एक एनिमी को नॉक किया हूँ और इधर एक एनिमी वो सोया हुआ है, तो फिर जाके वो उसको मारता है। मेरे को बोलता है तुम आ जाओ इधर, और दो बंदा वो है अपना टीम का, वो उसको मार देगा, नहीं तो तुमको मार देगा, तुम पीछे आ जाओ। फिर मैं पीछे आता हूँ, रिवाइव होता हूँ, ये लोग से लूटता हूँ अच्छे से मज़ा से, अपना सब कुछ मिल जाता है, M4 वगैरह मिल जाता है यहाँ पर। गन लोड करके मैं तो पहले फर्स्ट एड ढूंढता हूँ, फर्स्ट एड जिसमें है। आ उसका बात है, यहाँ पे भी फर्स्ट एड नहीं मिलता, वही बैंडेज मिलता है, यहाँ मिल जाता है फर्स्ट एड। अभी फर्स्ट एड, पहले फर्स्ट एड लगाता हूँ कि अगर, क्योंकि कोई यार दूसरा कोई अगर स्क्वाड आ जाएगा तो एक ही गोली में मैं नॉक हो जाऊँगा। चलो पहले फर्स्ट एड लगा लेता हूँ, यहाँ पे एक क्रेट होता है, इसमें देखता हूँ, इसमें मुझे M4 मिलता है, ओपी मिल जाता है, मुझे ओपी गन मिल जाता है। इसका बात नहीं, इसका बात नहीं, पूरा मिलिट्री बेस लूटते हैं, मिलिट्री बेस तो अपना ही हो जाता है क्योंकि एक ही स्क्वाड आता है इधर, एक नहीं हम लोग को लेके 3 स्क्वाड आता है। ये स्क्वाड का भी जिसको मारा हूँ ये दूसरा स्क्वाड को मार देता है, क्योंकि हम लोग लूट के आते थे, ये दूसरा स्क्वाड को मार के फिर हम लोग का तरफ जाता है मारने के लिए। इसको कहा क्या पता, हम लोग पीरो हो, पीरो इतना जल्दी हम लोग को कैसे मार देगा। कोई भी हो, अच्छा टीम था, क्योंकि दो को नॉक कर दिया था ऑलरेडी, अच्छा खेला था। मेरे को तो नॉक करके बंदा छोड़ दिया, रहम किया, लेकिन करना नहीं चाहिए अभी का टाइम में, अभी जिसको नॉक करो उसको ख़त्म करो, सिस्टम ये है। पूरा मिलिट्री बेस लूटता हूँ क्योंकि इसमें कुछ रहता ही नहीं है, ऑलरेडी ये लोग लूट ही लेता है हर तरफ, लूट सब सब कुछ लूट लेता है, घर ये जितना डोर्स और सब ओपन रहता है, ज़्यादातर कुछ है ही नहीं, यहाँ फटाफट जो थोड़ा बहुत कुछ मिलता है लूट के यहाँ से निकलते हैं हम लोग। इसका बाद में जो वेदर होता है गंदा वाला वेदर, माफी बोलिए फॉग वाला वेदर, ये वेदर मेरे को बिल्कुल ही पसंद नहीं, कुछ दिखाई नहीं देता है आगे क्या है क्या नहीं है, क्योंकि ऐसी पबजी में दुनिया भर का सांप मिलता है, जगह मिला नहीं सो जाता है। और ये फॉग वाला वेदर में तो वो लोग का लॉटरी है, जो सो सो के गेम खेलता है, मतलब पूरा मैसी सो सो के घास में सो के इधर सोएगा इधर छुपेगा, बोले के प्लस पॉइंट है फॉग वाला वेदर, वो इसे खड़ा रहने से दिखाई नहीं देता, सोने से क्या घंटा दिखाई देगा। Level 3 का बेक मार्क लगाता तो अपना टीममेट आ जाता लेने के लिए, तभी अपना टीममेट एक को फ्लेयर गन मिलता है, बोलता भी नहीं इधर फ्लेयर गन है बोल के, मतलब मेरे को मिला है वो चला देता है, तो मैं इसको बोलता हूँ तुमको जो लेना है लेना, मैं जाके उठा लूँगा बाकी, लेकिन कहाँ चांस मिलता है, अपना 4 नंबर जाके उठा लेता है ओम AWM। आप लोग को तो पता ही है AWM मेरा फेवरेट है स्नाइपर में, पहले तो Kar98 M24 लेता था, अभी छोड़ दिया, अभी नहीं लेता हूँ, उससे काफ़ 2-3 बार गोली मारना पड़ता है एक एनिमी को, इसलिए छोड़ दिया हूँ, इसलिए छोड़ दिया हूँ। अभी क्या होगा देखता, तो मज़ा ही आ जाता है इधर। और एक अपना नया टीम प्लेयर है, उसको भी AWM का शौक चढ़ता है, अरे AWM लो मना, चलाना तो आना पड़ेगा भाई, लेके क्यों बेकार में वो उसका गोली वेस्ट करना है, बोलने से फिर वो नाराज़ हो जाएगा, इसलिए बोलता नहीं हूँ। नया नया गेम सिखाई है, अच्छा से खेलना भी नहीं आता है, AWM लेता है वो,
आजकल क्या हो गया पता नहीं, सबको इसने भर चाहिए। और चलाना आता है तो तभी लो ना, नहीं आता है मत लो। क्या ही बोलो, मेरे पास एटेक्स रहता है, मैं देता नहीं हूँ जान मुझके, लास्ट में फिर दे देता हूँ। तो ले तो ऐसे फटाफट निकलता हूँ यहाँ से। एमओ ज़्यादा होता है तो इसी वेस्ट करता हूँ। दुनिया भर का 7 का एमओ है मेरे पास, चला के फायर करके सबको बोलता हूँ चाहिए। हर कोई मेरा टीममेट का बोलता नहीं चाहिए, सबको 5 पे एमओ चाहिए। 5 का एमओ ज़्यादा मेरे पास रहता नहीं है, 158 रहता है। 7 का एमओ 370 तक रहता है, स्प्रे करके मतलब इसे गोली चला चला के ख़त्म करता हूँ। तो ऐसे अपना टीममेट दो गाड़ी लेके निकल जाता है, मैं गाड़ी ढूंढने के लिए अंदर घुसता हूँ, तभी दूसरा गाड़ी लेके आ जाता है। ये लोग को मिल जाता है दूसरा गाड़ी, तब निकलते हैं सीधा ब्रिज क्रॉस करके। तभी हम लोग जैसे ही निकलेंगे सोचते हैं, तभी 3 नंबर का और एक फ्लेयर गन मिल जाता है। मैं सोचता हूँ इससे कुछ उठाऊँ, ये भी AWM तभी उठा लेता है। क्या ही बोला, 2-3 दिन हुआ गेम स्टार्ट किया, अभी से इसने पर्ची इसको ऊपर से AWM मारी थी मैं एकदम पूरा पट पूरी नुकसान नौकरी भी खेला मारा नहीं। अरे कब तो ना होए মাথা গরম নকৰিবি মোৰ। মানুহে যাব তেতিয়া জবাব দিব নোৱাৰে। प्लेट ड्रॉप आ जाता, मैं भाग के जाता हूँ तब तक उठा ही लेता है। मैं सोचता हूँ कुछ तो मिलेगा, जाके देखता हूँ AWM, लेकिन वो उठा लेता है। अभी से क्या ही मांगो, मांगने से थोड़ी ना देगा। और क्योंकि वो पहले से कार 98 लेके रखता है, जाके थोड़ा 5K मैं उठा लेता हूँ, लेकिन 8X मेरे पास आ जाता है। इसको मैं बोलता नहीं 8X मेरे पास है, ढूंढ बोलते रहता है 8X की 8X चाहिए 8X, लास्ट में देता हूँ उसको 8X। मैं सोचता हूँ शायद तो बोलेगा AWM कोई चलाएगा क्या, तभी आशा में रखता हूँ AWM मिल जाना चाहिए, टैक्स मेरा काम में आ जाता, देता ही नहीं है। मैं बोलता हूँ चलो निकलते हैं यहाँ से, मैं गाड़ी के लिए पीछे जाता हूँ ढूंढ के, शायद गाड़ी मिल जाए। यहाँ पर भी Level 3 का और एक बैग मिलता है, तो अपना टीम मेट को बोलता हूँ किसी को चाहिए तो उठा लो, Level 3 का बैग है इधर। थोड़ा बहुत एमओ मिल जाता है 5 का जो काम में आता है। अभी देखिएगा क्या ही गंदा वेदर होगा धीरे धीरे। सेवन के
इतना एमओ उठाता हूँ, स्पेस ही नहीं रहता है, तो इसलिए थोड़ा ड्रॉप कर देता हूँ 7K एमओ। रेड जोन थोड़ा टाइम वेट करता हूँ, रेड जोन अगर गिर गया तो नॉक। हम गाड़ी में है तो पूरा फुल स्कॉट को लेके चला जाता है, ऐसा खतरनाक चीज़ है रेड जोन। रेड जोन से काफ़ी बार मरा हूँ। हम लोग सोचते हैं ब्रिज में होगा स्कॉट, लेकिन लक खराब मिलता नहीं है, ब्रिज में एक भी बंदा नहीं मिलता है। ये देखिए क्या ही गाड़ी चलाता है, मेरा गाड़ी का आगे लाके स्लो करता है। ऐसे रेस लगेगा भाई, हार जाएगा, हार जाएगा। गंदा वाला वेदर हो जाता है यहाँ पहुँचते पहुँचते, इसमें तो कोई ऑप्शन रहता नहीं है रुकने के अलावा, इसीलिए हम लोग गाड़ी साइड में लगा के थोड़ा टाइम रुकते हैं और यहीं पे कांड हो जाता है हम लोग का साथ। हम लोग का मतलब मेरा और एक नंबर का, मेरे को तो गाड़ी से नॉक कर देता, पता भी नहीं, क्योंकि मैं ईयरफोन यूज़ नहीं करता हूँ ये वाला गेम में, यही मेरा माइनस पॉइंट होता है। गाड़ी आके कब मेरे को चेप पे चला जाता पता भी नहीं चलता है, एक बार चेप पे नॉक करते दूसरा बार डायरेक्ट किल कर देता है। ये वाला वेदर तो क्यों दिया है मेरे को समझ में नहीं आया, बेकार बेकार दिया है ये सब। फॉग वाला वेदर कुछ दिखाई नहीं देता, हम लोग सोचते आगे वाला घर में एनिमी है बोल के, लेकिन यहाँ पे रहता नहीं है, एनिमी आता है पीछे से। अभी मैं इसको बोलता हूँ, अभी मैं 3 नंबर को बोलता हूँ एटेक चाहिए तो ले लो, क्योंकि तब बोलते रहते हैं एटेक्स मेरे को चाहिए, एटेक्स है किसी के पास, मैं देता नहीं हूँ, जानबूझ के नहीं देता हूँ। दे देता हूँ क्या था, मेरे पास तो एटेक्स वाला कोई गन है नहीं, मेरा कोई क्या करो, कम से कम अपना टीममेट का तो काम में आ जाए, इसीलिए दे देता हूँ इसको मैं एटेक्स। लगा के थोड़ा इस साइड में आता हूँ तभी दूसरा एक स्क्वाड आ जाता है, स्क्वाड ब्रिज से आता है, मेरे को डाउट रहता है एक स्क्वाड तो आएगा ब्रिज से आता, मैं ईयरफोन यूज नहीं करता तो साउंड सुनाई नहीं आता है। अभी देखिएगा गाइस, अभी आएगा एक स्क्वाड जीप लेके, उन लोगों को कैसे पता चलता है इधर में हम लोग कैसा है, तो लोग ऐसे ही आता है रेंडमली, ऐसे ही आता है इधर। ये देखिए जैसे आगे देखता हूँ तब एक स्क्वाड आके मेरे को कर देता है ख़त्म, किल ही कर देता है, अपना बैड लक। इसका कुछ ही टाइम बाद में अपने एक नंबर को भी नॉक करके किल ही करता है। ये देखिए इसमें ये मैच में अपना 4 नंबर अच्छा खेलता है, अच्छा मतलब अच्छा ही खेलता है, मतलब जिसको भी नॉक करता है उसको ख़त्म कर देता है, ऐसा स्कोर है, ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि अभी सब केडी के लिए खेलता है।
यही मेस में अपना 4 नंबर का वजह से हम लोग चिकन डिनर होता है। अच्छा करता है 4 नंबर, इसका तिल भी अच्छा ही रहता है, गहरा टू रहता है ये वाला मीट में, जो काफ़ी अच्छा है केडी के लिए, क्योंकि उसके पास एटेक्स भी रहता है, AWM भी रहता है और इसमें तो M4 रहता है, मतलब सब कुछ अच्छा ही है। इधर एक हाथ में स्नैपर, एक में M4 6x विद 8x, और क्या चाहिए। और ये अपना टीम का लक भी अच्छा होता है, क्योंकि सर्कल यहीं पे बनता है, लास्ट सर्कल इसका आसपास ही रहता है, दूर ऐसा नहीं दूर जाना, मतलब गाड़ी लेके कहीं दूर में सर्कल है वहाँ जाना पड़ता है बोल के, और रहता नहीं, यहीं पे बनता है, ये अपना प्लस पॉइंट है। और ये 3 नंबर तो AWM लेता है, लेकिन AWM से एक को भी मार नहीं पाता है। आप लोग को बोला था ना नया प्लेयर, अरे इसको भी चाहिए वो, क्या बोलेंगे, कम से कम पहले तुम सब गन गन तो चला, ऑटो गन तो चलाना सीखो अच्छा से, उसका बाद में स्नैपिंग करना चाहिए। कल ही आया गेम में और आज ही इसको चाहिए AWM, तुम मारने नहीं सके, इनमें क्रश कर दिया, तुम्हारा एक हाथ में स्नैपर होगा और एक में ऑटोगन होगा, तो तुम्हारा जब ऑटोगन रिलोड कर देगा तुम तब क्या करेगा। स्नैपर उसी को लेना चाहिए जो दूर से नॉक कर सके, एक दो को नॉक कर दिया तो अगर 4 बंदा है, 2 नॉक हो गया तो 2 रश करेगा तो तुम आराम से गिरा सकेगा ना। ये देखिए 3 नंबर रूम लेके क्या करें पता नहीं, रेस गंदा वेदर है, मतलब क्या बोलो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है आगे, कौन है कौन नहीं, ये वेदर मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। और आप लोगों को तो पता ही है मैं सो के खेलता नहीं है, मेरे को मज़ा नहीं आता गेम में सो के खेलना, ये वाला वेदर आने से सोना पड़ता है मजबूरन। देखिए मैं सोया नहीं इसीलिए आके जीप मेरे को उड़ा के चला गया, अगर मैं सोया रहता तो उनको दिखाई नहीं देता। ज़्यादा बंदा रहता नहीं है, 11-2 रहता है अपना टीम का 2 छोड़ के। इधर से एक जीप, हाँ शायद था, इधर से आता है यहाँ पे रहता है जीप लेके आता है, क्या करता है पता नहीं, जंपिंग खेल रहा है क्या ये वाला बंदा। देखिए हंसी भी आता है, शायद ये सिंगल ही रहता है या कौन है कौन नहीं देखने के लिए आता है शायद पीछे। एक दूसरा जीप लेके आता है, वो नॉक भी हो जाता है और एक जाता है इसको रिवाइव करने के लिए। चक्का फोड़ता है क्यों जा ना पाए वो लोग, करने वाला था तभी बैक हो जाता है इसीलिए बच जाता है। तो वो बंदा भी अच्छा ही शायद मिनी, हाँ मिनी रहता है शायद उसका, अच्छा ही मतलब वो स्प्रे करता है। आगे भी फायरिंग होता रहता है, चारों तरफ बंदा ही बंदा। टीम को बोलता हूँ एडवांस, तुम लोग सर्कल में घुसो, ये ज़्यादा दूर सर्कल रहता नहीं है,
पैदल भागने से रिक्स हो जाता है, इसलिए बोलता हूँ गाड़ी लेके चलो आगे, सर्कल में घुसा उसके बाद में फ्लैट लो। डायरेक्ट जा नहीं सकता है क्योंकि आगे में स्कॉट रहता है, इसलिए वो साइड से घूम के रोटेट करके जाता है। सर्कल पे ड्रॉप रोकने आता है, गंदा वाला AWM का शॉट होता है इधर, जाना मैं आराम से उसको नॉक कर, फर्स्ट टाइम में नॉक कर सकता है उसको, सेकंड टाइम में उसको मौका ही, सेकंड टाइम का मौका ही नहीं मिलता है उसको, अगर अच्छा से वो AWM का लगा के एम लगा के पहला गोली मार। रैंडमली फायर करता है वो, इस मौके अंदर रहता है, उसको दिखाई भी नहीं था एनिमी किधर है, भोला भटका अगर नॉक हो जाए तो इसका ऊपर दबाव भी रहता है ना, कि 3 नंबर नया प्लेयर है, अच्छा से खेलने नहीं जानता है। बदले में ज़्यादा नहीं रहता है, चार ही रहता है अपनी टीम को छोड़ के। अपना टीम का एक प्लस पॉइंट यही है क्योंकि एडवांटेज और रीच ले लेता है, और रीच एडवांटेज रहता ही है। पहले दो बंदा रहता है, फिर दो बंदा आता है, वो दो बंदा आके ये दो बंदा को ख़त्म करता है, तो हो जाता है डुओ वर्सेस डुओ। ओम का गोली खा के घर में घुसता है तो घुसता ही, निकलता ही नहीं है, एक को एक बार दिखाई देता है फिर निकलता नहीं है। ये क्या माइंड लगा के ये लोग, सामने जो खटरा गाड़ी नहीं है एम्बुलेंस, इसका पीछे आता है, क्या माइंड लगा के पता नहीं। अब यही घर से निकलने का कोशिश करता है, निकल भी जाता है क्योंकि अपना 4 नंबर बहुत ही गंदा स्नैपिंग करता है ये वाला जगह में, उसको फर्स्ट टाइम एक ही गोली में आराम से नॉक करने का पूरा मौका मिलता है इसको। ये देखिए ये वाला गंदा शॉट, यहाँ से पिक
क्या सोच के था पता नहीं, यहाँ से आके पिक करके मारने का ट्राई करता है। धनाधम गोली पड़ता है उसका, और एक टीममेट भी रहता है, वो रहता है इधर। जीता है इसका 11 11 होता है।